आज का सूरज यानी कि 5 अगस्त 2020 का सूरज एक नया सवेरा लेकर आया है। आज के दिन भारत का इतिहास बदलने जा रहा है। भारत में इतिहास एक सुनहरे पन्नों में राम मंदिर का इतिहास लिखने जा रहा है। यानी कि आज 5 अगस्त को आपको बता दें कि जो मामला 492 साल से लंबित चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के साथ, आनंदीबेन पटेल के साथ और आपको बता दूं सर संघ प्रमुख के साथ भूमि पूजन कर दिया है। यानी कि आज से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो एक शुभारंभ है वो हो चुका है। अयोध्या नगरी को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, उस तरीके से सजा दिया गया है जिस तरीके से भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में आए थे। उसके बाद आज यानी कि युगों के बाद अयोध्या नगरी को फिर से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 500 किलोमीटर दूर जो लोग अयोध्या से हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वो अपनी इस जो सेलिब्रेशन है वो कर रहे हैं, भगवान श्री राम का जो जाप है वो कर रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। यही नारा काफ़ी लोग, करोड़ों लोग अपने मन में लेकर बैठे थे। बच्चा बच्चा राम का नाम, राम के काम का एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, यही नारा। आज कितनी खुशी आप लोगों को हो रही है? सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए आज का इतना शुभ दिन, इतनी खुशी है कि 125 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का जो विराम लगा हुआ था 500 वर्ष से, आज हमारे देश के आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वो विराम को तोड़ दिया, अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और माननीय राज्यपाल जी के साथ में जो अयोध्या में आज भूमि पूजन हुआ है वो बड़ा ही हिंदुओं में खुशी की लहर है। आज हम लोग उपाध्याय प्रॉपर्टी पर भगवान श्री राम के चित्र के सामने 151 दीप जलाकर माल्यार्पण कर और प्रसाद वितरण कर ये खुशी मना रहे हैं कि भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर वो बने जो कि न आज तक कहीं मंदिर है न होगा। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से दंडवत प्रणाम कर भगवान के मंदिर में शिलान्यास किया, पूजा पाठ किया, कितनी खुशी आपको हो रही है? बहुत बहुत खुशी है साहब, बहुत खुशी है। हम अच्छा, बहुत खुशी का विषय है। जो बहुत से भक्तगणों ने वहां अपना जीवन का बलिदान दे दिया और वो काम तब भी पूरा नहीं हुआ, कितनी सरकारें आईं और कितनी चली गईं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से आज शिलान्यास हुआ है, उसकी हमें पूरे भारतवर्ष में विशेष खुशियों का इजहार हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगातार आपको अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से यहां पर तैयारियां की गई है, क्योंकि आपको बता दूं कि अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, सरयू घाट को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। उपाध्याय जी, आपसे यदि जानने की कोशिश करूं, आप हमेशा भक्ति में रहे हैं, मैं हमेशा आपको देखता रहा हूं आते जाते, आज कितनी खुशी है आप लोगों को, क्योंकि 400-500 सालों से, युगों से यह मामला लंबित चल रहा था, आपको कितनी खुशी है क्योंकि आप VHP के कार्यकर्ता भी रहे हैं और गऊ से भी जुड़े हुए हैं आप और लगातार सोशल सेवा करते रहते हैं, आज आप खुद बताइए आपके दिल में क्या चल रहा है, कितनी खुशी है आपको? खुशी का हमारा ठिकाना नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ना हम इसे बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी है। और पूरा विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज, आज बेहद ही खुशी का दिन है जो कि हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जो 500 साल के बाद आज पहली बार ये मौका प्राप्त हुआ है। विश्व हिंदू परिषद की आपने बात की, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे अशोक सिंघल जी को याद किया, उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल जी का जो सपना था ईश्वर की कृपा, अशोक सिंघल जी आज तो यहाँ पर दुनिया में नहीं है, स्वर्ग से धार गए, लेकिन उनका जो सपना था, उनके साथ करोड़ों करोड़ों हिंदू वासियों का सपना था, सनातन
सनातन धर्मियों का जो सपना था आज वो सपना पूरा हो गया है, उस पे आप क्या कहेंगे? माननीय अशोक सिंघल जी का संघर्ष इतना भयानक रूप लेने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद को ढाना और आज उनका जो बहुत ही मान लीजिए उनका सपना पूरा हुआ है, बल्कि वो स्वर्ण अक्षरों में उनका हमेशा हमेशा के लिए नाम अंकित हो गया। और माननीय अशोक सिंघल जी को जितना सम्मान दिया जाए उतना ही कम है, और हम तो सरकार से अपेक्षा करेंगे कि उन्हें एक मेडल रूप में भी सम्मानित किया जाए। सरकार से उम्मीद करेंगे, सरकार से अपेक्षा करेंगे, विनती करेंगे अशोक सिंघल जी को एक मेडल दे दिया। बहन जी कितनी खुशी है आज भगवान श्री राम के चरणों में आप नमन करने जा रही हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है, इतना हम बता नहीं सकते हैं, इतनी खुशी हुई है कि बहुत ज़्यादा, बस इतना ही बोलेंगे। आप लोग महिला शक्ति हो, महिला शक्ति ने भी बहुत साथ दिया। उमा भारती उस समय पे अपने बाल मुंडवाकर पहुंच गई थी अयोध्या, और आज ये पल आ चुका है, ये शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार करोड़ों करोड़ों लोग कर रहे थे। आपको बहन जी कितनी खुशी है आज? खुशी का तो कोई जैसे नागिन जी ने कहा कि ठिकाना नहीं है, और ये असीमित खुशी है जिसको बयान हम जितने भी ज़्यादा तरीके से कर सकते वो भी कम ही लगेगी। और आज हमारी एक जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, और हमारे जो भगवान श्री राम हैं उनका मंदिर बनना ही हमारे लिए एक सबसे बड़ी ऐतिहासिक उसमें जीत के साथ दर्ज भी होगा, और जो एक विरोधाभास चल रहा था वो भी ख़त्म होगा, एक प्रेम की भी धारा आज से बह निकलेगी, उसके लिए अब कभी कोई विरोध नहीं होगा, कभी कोई विरोध नहीं होगा। विरोध की यदि बात की जाए तो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उनको अलग जगह दे दी गई मस्जिद बनाने के लिए, अंसारी जी की यदि बात की जाए तो उनको भी निमंत्रण मिला था, वो भी खुश हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। महिला शक्ति हमारे साथ लगातार मौजूद है, इन्हीं से जानने की कोई। बहन जी कितनी खुशी आज आपको है क्योंकि महिला शक्ति भी इसमें उतनी ही योगदान दिया है जितना महापुरुषों ने योगदान दिया था, चाहे वो भारती की बात की जाए, चाहे वो और महिलाओं की बात की जाए, आपको कितनी खुशी आज है? बहुत खुशी है आपसे, उनको आज बहुत खुशी हो रही है, इसका कोई फॉर्म नहीं। आपको कैसा लग रहा है, आपने इस युग में जन्म लिया है जिस युग में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, भगवान श्री राम टाट में थे, टाट से उठा के अब राजमहल में भगवान को विराजमान किया जा रहा है, कितनी खुशी है आपको? खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन आज हमारी जो पीढ़ी है वो इस चीज़ को देख के इतनी खुश है कि उस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, चाहे 151 हो, चाहे कितने भी लाखों दीपक भी हम जला दें तो भी वो कम है आज भगवान श्री राम के चरणों में। हम तो यही चाहते हैं कि बस भगवान का मंदिर जल्द से जल्द पूरा हो और हमें वहाँ दर्शन करने का मौका मिले, भगवान का मंदिर जल्द से जल्द पूरा हो, भगवान के मंदिर में करोड़ों लोगों को दर्शन करने का मौका मिले। आज क्या आपकी तैयारियाँ हैं? 151 दीपक जी बोल दीजिए। हमारे श्री भक्तगण उपाध्याय जी, नरेंद्र उपाध्याय जी 151 दीपक जला करके विशेष खुशियों का इजहार कर रहे हैं भगवान राम के, और हनुमान जी के चरणों में अर्पण करके माल्यार्पण करके प्रसाद वितरण होगा। उपाध्याय जी प्रॉपर्टी लिंकर्स उनके ऑफिस पर बहुत से भक्तगण इकट्ठे हुए हैं इसी माहौल के लिए। ये सभी राम भक्त आपको बता दूं आगरा में स्थित है, कालिंदी विहार में स्थित है उपाध्याय प्रॉपर्टीज, वहाँ पर ये लोग इकट्ठे हो रहे। अब भगवान श्री राम के चरणों में भगवान श्री राम की मूर्ति पर इन्होंने माल्यार्पण कर दिया है, इन्हीं से जानने की कोशिश करें। आज ये जो माल्यार्पण तो आप लगातार करते आए होंगे, भगवान के आप भक्त हैं, लेकिन आज क्या एक नया है जो आप मुझे बताना चाहेंगे दर्शकों को? आज इतनी खुशी है जिसके आज तक तो हम राम को मानते, हम तो मानते ही हैं, लेकिन लोगों में ये भावना थी कि राम मंदिर, और कई लोग कई बार अन्य पार्टियों ने यह भी घोषणा की कि राम काल्पनिक थे, आज उसका प्रमाण भी हो रहा है, और हमारी आने वाली नई पीढ़ी को इस हमेशा हमेशा तक कई युगों तक इस चीज़ का अनुभव रहेगा कि रामचंद्र जी क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की क्या मर्यादाएं थीं, जिसे वर्णन किया जाएगा और हमेशा याद रखेंगे इसके बारे में। और आज हमें अति खुशी इस बात की है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिससे समाज में मर्यादाओं का उच्चारण होगा।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, पूरे देश में खुशी की लहर है। देश ही नहीं, मैं विदेश की बात करूं तो विदेशों से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग भगवा रंग लेकर, भगवा झंडा लेकर, भगवा कपड़े पहनकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा आगरा से।